quite amazing how Hungary has preserved its history. And they really value their history. It's the best thing. आज हम सेंट्रल बुडापेस्ट में हीरो स्क्वायर की तरफ वॉक कर रहे हैं और रास्ते में सेंट स्टीफन बेसिलिका चर्च भी है, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा. काफ़ी अच्छा दिन है, लेट्स एक्सप्लोर. कंटिन्यू स्ट्रेट. पूरे यूरोप में ये स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस का बड़ा ट्रेंड है और ये जो सेंट स्टीफन बेसिलिका चर्च है इसके आगे आज एक मिलिट्री बैंड परफॉर्म कर रहा है. काफ़ी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस है. इस चर्च में आज बहुत भीड़ है. पहले हमारा मन अंदर जाने का था बट टिकट की लाइन बहुत लंबी है, बहुत टाइम लग जाएगा. सो वी आर नॉट गोइंग इनसाइड बट जस्ट एक्सप्लोरिंग इट फ्रॉम आउटसाइड. इस चर्च की एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि ये चर्च 96 मीटर हाई है, एग्जैक्टली सेम टू पार्लियामेंट बिल्डिंग. क्योंकि उस समय उनका मानना था कि स्टेट और रिलीजन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दे बोथ आर इक्वल. चर्च से आगे अभी हम टेरेस वारोस एरिया में हैं और गुंजन मेरी प्रोनंसिएशन पे हंस रही है. बोलो बोलो, यही बात ऑन कैमरा रिकॉर्ड में चाहिए हमें. बोलो और इस एरिया में आज रोड साइड्स पे छोटी छोटी वर्कशॉप्स लगी हैं छोटे बच्चों के लिए. ये वर्कशॉप्स रोड रूल्स, आइस हॉकी, पेंटिंग सिखाने के लिए हैं बच्चों को. क्वाइट इंटरेस्टिंग, लॉट ऑफ पीपल अराउंड हियर. So we are now at Hero Square. We walked almost 3 kilometers to get here. It's quite sunny. Feeling a little bit dehydrated, but it's good. It's quite an interesting place. We have statues of all the chief and heroes for Hungary. There are a lot of tourists. They're all trying to take photos. This place is worth visiting. What do you say? ये जो हीरो स्क्वायर है ये बिगेस्ट स्क्वायर है बुडापेस्ट में और ये अपने आइकॉनिक स्टैचूज़ के लिए काफ़ी पॉपुलर है. ये जो बीच में बिल्कुल सेंट्रल स्टैचू है, इसके आसपास इन्होंने 7 चीफ्स के स्टैचू बनाए हैं और साइड्स में लेफ्ट हैंड साइड्स पे और राइट हैंड साइड्स पे भी काफ़ी सारे स्टैचूज़ हैं जो हंगरी के वॉर हीरोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके चीफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ये बड़ा ही आइकॉनिक आर्किटेक्चर है और 1896 में ये बनाया गया था. पूरी सिटी हिस्ट्री से भरी हुई है. क्वाइट अमेजिंग एक्चुअली.
हीरो स्क्वायर के साथ ही यहाँ पर बड़े पॉपुलर टर्किश बाथ हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस हैं वो, पर अभी हमारा वहाँ पे जाने का कोई मन नहीं है। विल हेड बैक टू होम नाउ। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से हम लोग बड़ा ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रबिश प्रोड्यूस करते हैं, और इस मार्केट में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डेकोरेशन बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ओल्ड टीवी स्क्रीन्स, वायर्स और जितना भी जो वेस्ट होता है उसको इन्होंने एज अ डेकोरेशन यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये पूरी मार्केट ऐसे बड़े अच्छे मैसेजेस से भरी हुई है कि वेस्ट रिड्यूस करें, रिसाइकल करें, और यहाँ पे एक ये बाइक है, इट सेज इंक्रीज योर बाइक प्रिंट। एंड इन द एंड ऑफ द मार्केट एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे ये वीगन खाने की प्लेस है। एक बात बड़ी अच्छी लगी मेरे को यहाँ पे, यूरोप में वेजिटेरियन या वीगन खाने की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे हमने वीगन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है विद मस्कुलिन लीव्स एंड सैलड एंड कोकोनट ऑन द टॉप। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे जब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता मीट फ्री खाना ढूंढने के लिए।